वेलकम टू आकाश जी एस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं क्लास सेवेंथ की हिस्ट्री का ये टॉपिक है जो कि आपके चैप्टर टू से लिया गया है। ठीक है, तो इसे चलिए करते हैं। तो इससे पहले जो टॉपिक था मैंने पढ़ाया था वो ये था कि एक बुक थी राज तरंगनी। ये जो बुक थी राज तरंगनी ये कल्हण द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हण ने ये बुक लिखी थी। कल्हण ने ये बुक लिखी थी ये संस्कृत लैंग्वेज में थी। किस लैंग्वेज में थी? संस्कृत लैंग्वेज में थी। ये देखिए, संस्कृत लैंग्वेज में कल्हण ने कौन सी बुक लिखी थी? राज तरंगनी बुक लिखी थी। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया था। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका UPSC, UPPCS और जितने भी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम होते हैं उसमें आता है कि जो कश्मीर के इतिहास के बारे में जो बुक है उसका नाम बताइए। तो राज तरंगनी किसने लिखी है? कल्हण ने। किस लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। तो अब हम चलते हैं, ये वाला टॉपिक है वेलफेयर फॉर वेल्थ। वेल्थ मतलब क्या होता है? धन। ठीक है, यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज, ये जो प्रत्येक जो डायनेस्टी थी, ठीक है, कौन कौन सी डायनेस्टी, जैसे चोल हैं, चालुक्य हैं, ये डायनेस्टी थी, ठीक है, वाज बेस्ड इन स्पेसिफिक रीजन। बेस्ड मतलब आधारित थे एक स्पेसिफिक रीजन यानी एक निश्चित क्षेत्र। ठीक है, एट द सेम टाइम दे ट्राइड टू कंट्रोल अदर एरिया, उसी समय सेम टाइम में वे जो अदर एरिया थे उन्हें कंट्रोल यानी उन्हें अपने वश में करना चाहते थे। वन पार्टिकुलरली, चलिए पेज नंबर 21 पे चलते हैं बच्चों, पेज नंबर 21 यहाँ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वन पार्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी कन्नौज इन द गंगा वैली। ठीक है, एक कौन सी एरिया के बारे में बता रहा है? कन्नौज के बारे में बता रहा है, जो कहाँ पे है? गंगा वैली यानी जो गंगा की घाटी में एक क्षेत्र है उसका नाम है कन्नौज। ठीक है, फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जरा प्रतिहार, ठीक है, ये भी एक डायनेस्टी है, गुर्जर प्रतिहार वंश कहते हैं इन्हें, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी कहते हैं इन्हें। रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जरा प्रतिहार वंश के जो रूलर्स थे, राष्ट्रकूट जो वंश के जो शासक थे वे चोलों के सामंत थे, जो चोल साम्राज्य है उनके सामंत थे। राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टीज फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, यानी ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और इन्होंने, इनमें आपस में लड़ाई होती थी कंट्रोल ओवर द कन्नौज, यानी कन्नौज पर अपना शासन स्थापित करने के लिए। ठीक है, इनमें आपस में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। बिकॉज देयर वेयर थ्री पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट, ये जो कन्फ्लिक्ट था, कन्फ्लिक्ट मतलब होता है बच्चों मतभेद। ठीक है, ये मतभेद था, तभी तो तीन वंश लड़ रहे थे, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश। ठीक है, अब फिर समझते हैं बच्चों, तो कहाँ पे थे? बिकॉज देयर वेयर थ्री पार्टीज, तीन पार्टियाँ थी इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट, ये जो लंबे समय तक चलने वाला जो मतभेद था, हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज द ट्रिपर्टिल स्ट्रगल। ठीक है, हिस्टोरियन ने इसे त्रिपक्षीय स्ट्रगल बताया है। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया है इतिहासकारों ने। ओके बच्चों, सो एज वी विल सी, हटाओ ये तो हमने देख लिया चैप्टर, ये जो पेज नंबर पे हमने यही पढ़ के हैं। रूलर्स ऑल्सो ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेस बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। रूलर्स जो थे अपनी पावर्स का कैसे डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, मतलब कैसे दिखाते थे? देयर पावर एंड रिसोर्सेस अपनी जो शक्तियाँ हैं और अपने संसाधनों को किस तरह से, या अपनी उपलब्धियों को किस तरह से दिखाते थे? By building large temples, ठीक है, वैसे resource का मतलब होता है संसाधन, यहाँ उपलब्धियाँ आप समझ लो।
बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स, बड़े बड़े मंदिर बना के वे दिखाते थे। ठीक है, इतिहास अभी आप देखते हो, जैसे अभी देखोगे अजंता और एलोरा की गुफाएं, ठीक है, ये भी किसी शासक ने बनवाई हैं। और जैसे हम सपोज कर ले ताजमहल तो अकबर ने बनाया, ये उसने अपनी शक्तियाँ दिखाने के लिए बनाया है, हिज पावर्स एंड रिसोर्सेज। ओके, और जैसे हम ले लें दिल्ली का लाल किला तो शाहजहाँ ने बनवाया है, तो उसने अपनी शक्ति दिखाने के लिए ये सब बनवाई हैं। ठीक है, इसी तरह से रूलर्स अपनी पावर और रिसोर्सेज दिखाने के लिए लार्ज टेम्पल्स बनवाते थे। सो वेन दे अटैक्ट वन और अनदर किंगडम, जब वे एक से दूसरे राज्य पर क्या करते थे, आक्रमण करते थे, दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स, वे प्राय जो टारगेट उनका होता था, मुख्यतः जो उनका जो टारगेट करते थे, वे मंदिरों को टारगेट करते थे, ठीक है, आक्रमण के लिए, विच वेयर समटाइम एक्सट्रीमली रिच, कभी कभी जो मंदिर जो हुआ करते थे वो क्या होते थे, एक्सट्रीमली रिच मतलब बहुत अमीर हुआ करते थे। आपको पता है ना सोमनाथ मंदिर के बारे में, आपने पढ़ा है, जो सोमनाथ मंदिर है उस पर 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनबी ने। ठीक है, जो उसका 17वां आक्रमण था उसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जो मंदिर से वो एक्सट्रीमली रिच हुआ करते थे, बहुत धनवान हुआ करते थे। यू विल रीड मोर अबाउट इन द चैप्टर 5, इसे छोड़ो, चलो यहाँ पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। वन ऑफ द बेस्ट नोन सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, टोटल 17 times इसने भारत पर आक्रमण किया, अब सोचो, जो कि अफगानिस्तान का था। ठीक है, महमूद गजनवी, ही रूल्ड फ्रॉम 1997 to 1030, 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी, एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर द पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल एशिया, और एक जो मध्य एशिया के एक भाग पर क्या किया था, इसने कंट्रोल किया था। ठीक है, ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ सब कॉन्टिनेंट, ईरान पर और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट कौन है यार, इंडिया है, इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट ही तो है। ठीक है, तो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर इसने क्या किया था, अपना अधिकार किया था। अब कहोगे सर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कौन सा होता है, तो यहाँ एक बार देखो, ये जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये जो नॉर्थ है और ये है साउथ। ठीक है, इधर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये है ईस्ट बच्चों, और ये है वेस्ट। जब मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँगा और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ जो बीच में जो एक सब डायरेक्शन होगी, इसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये होगा नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट पर, इस पर महमूद गजनवी का क्या था, कंट्रोल किया था। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सब कॉन्टिनेंट यानी भारत, भारत एक सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, उपमहाद्वीप है, इसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर इन्होंने अधिकार किया था, इसने अधिकार किया था। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, प्रत्येक साल वो हमारे देश पर क्या करता था बच्चों, आक्रमण करता था, यानी उपमहाद्वीप पर, भारत एक उपमहाद्वीप है तो भारत पर प्रत्येक साल आक्रमण करता था। हिज टारगेट्स वेयर वेल्दी टेम्पल्स, उसके टारगेट्स क्या थे, वेल्दी टेम्पल्स मतलब जो धनी मंदिर हैं उन, वो उसके टारगेट हुआ करते थे, उनके लक्ष्य हुआ करते थे, उन पर आक्रमण करता था, लूटपाट करके चला जाया करता था। इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है जो कि गुजरात में है बच्चों, क्या, सोमनाथ मंदिर गुजरात। मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद कैरीड अवे वॉज यूज टू क्रिएट द स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी, और जो मंदिरों से जो लूटा हुआ धन था वो अपनी कैपिटल, जो उसकी राजधानी को बनाने में, बढ़िया तरह से बनाने में, जो उसकी राजधानी गजनी थी उसे बनाने में खर्च किया करता था। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आगे, सुल्तान महमूद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कंकर्ड, वो लोगों को जान जो जो जिनसे वो मिलता था उनके बारे में जानने में ज़्यादा रुचि रखता था, एंड इंटरेस्टेड अ स्कॉलर नेम्ड अल बरूनी। अब मैं बता दूं आपको, एक अल बरूनी लेखक उसके साथ आया था, ठीक है, एक स्कॉलर था, उसने एक बुक लिखी थी अल बरूनी को, वैसे हम अल बरूनी ने एक बुक लिखी थी किताबुल हिंद, क्या लिखी थी, किताबुल हिंद, ये क्वेश्चन आता है, तो अगर क्वेश्चन आए कि अल बरूनी ने कौन सी बुक लिखी थी, किताबुल हिंद, ये उसने बुक लिखी थी अल बरूनी, अरबिक वर्क है, अरबी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर फॉर प्रिपेयर दिस अकाउंट, ठीक है, उसने संस्कृत स्कॉलर से फिर उसको कंसल्ट किया, यानी उससे ये कहा कि इसे आप संस्कृत में प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो आप मेन ये याद रखिए कि
कि अलबरूनी ने कौन सी बुक लिखी थी, किताबुल हिंद। अलबरूनी को कौन लाया, महमूद गजनवी लाया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक काफ़ी है, इतना आप पहले करके रखिए, आज इतना काफ़ी है, कल मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। थैंक यू।